दोबारा नई ट्रिप, यही पांच जने बस गाड़ी जा रही है जीन हरियाणा। ऊपर ठंड लग रही है, नीचे गर्मी लग रही है। तो हेलो गाइस, राहुल भाई के स्टाइल में वापसी आ गए हैं, दोबारा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हरियाणा। हरियाणा की हम कबड्डी प्रो कबड्डी देख रहे हैं। हाँ, आज हरियाणा की फेमस कबड्डी जीन आया। जीन जीन जा रहे हैं, वहाँ पहुंच चुके हैं। बस आपको वहाँ जाके फटाफट माहौल दिखाते हैं क्या है। ये देखो, ये तो नैश उठाया घर से, खाना खाते खाते उठ के प्लेट वेट पर गाड़ी चेंज है, वरना पे आए हैं। लेवल अपग्रेड हो गए भाई ने, अल्टो भेज दी वरना ले ली आउटफिट देखो, ऊपर ठंड लग रही है, नीचे गर्मी लग रही है। जीतने वाले को बाइक मिलेगी, ये देखो, जीतने वाले को बाइक मिलेगी। सायरन बज रहा है। चलो गाइस दिखाते हैं आगे क्या जीतने वाले को बाइक मिलेगी। ये देखो गाइस, वीरेंद्र भैया जी जो हमारे एडिशनल डायरेक्टर यूएसआई के हमारे विक्रम हैपी की तरफ से बुला था। भैया साहब ने भाई पैसा ऐसी चीज है, कहीं मेरे देना गुजरेगा फांसी का दसरवा दो भाई। आदमी अगले वाले प्राप्त कर सकते हैं, जब हम जब बैठे तो अच्छी टीम खेल बताएगी, वही जीत के आगे जाएगी। अच्छा जी भैया साहब, चार पॉइंट बारह लगे और दस पॉइंट है। अरे बाबू, बार हो गया भाई, सोलह सोलह पे बराबर, सत्रह बनाओ और मैच जीते। दस पॉइंट के कान पहले ही तोड़ देते हैं कबड्डी करने से, कान तोड़ देते हैं बचपन में ही, लिगामेंट तोड़ देते हैं ताकि पहलवानी में हाथ बाद में न टूटे, दर्द होता बचपन में ही तोड़ देते हैं। सच्ची में भाई, पूछ लियो किसी से। अभी तक टच नहीं है, खुद खिलाड़ी ने माना है टच नहीं है। काशीपुरिया बराबर का सुरीद है, बराबर की आउट है। आज भाई ये चल रहा कबड्डी का मैच, दूसरा रन बना है पहले बता पूरा रन कहते जी आप अपनी मस्ती में देखो, सारे लोग बैठे हैं रात को। उस लड़के ने बता दिया कि सी 30 सेकंड में बना दरवाजा है, कैच है, कोई दिक्कत नहीं है, रेफरी से बात चल रही है। रेड क्राउड, रेड क्राउड धीरे चल, पाले में नहीं आ पा रहे, हरियाणा वाले हैं भाई। बाजेगा तो झूठ बाजेगा, वरना हरियाणा बाजेगा, हरियाणा बाजे तो पीछे हो जा, अंकल को साथ ले लेता हूँ। ऐसे कर दे भाई, ये गलती हो गई इनसे, उस बंदे को हूटर बजने के बाद बाहर आना था, वो पहले बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखो शरीर, देखो पहलवानों का कान बाहर है, इसका मतलब लिगामेंट ना तोड़ रखी होती है, कहीं भी किसी से भी बढ़ सकती है। पॉइंट तो क्लियर था लेकिन नहीं लिया गया। कई बार ऐसा था अनिल मेहता के साथ भी मैं ऐसा ही हुआ था, ऐतिहासिक राउंड महल में जब धर्मेंद्र वहां पर बैठे थे चीफ गेस्ट के तौर पर, अनिल मेहता के साथ भी ऐसा हुआ था। पॉइंट नंबर दो की शामिल हो, फिर मैच बन गया दो दो तोड़ दुर्गे। क्या बात है, यूट्यूब पे नहीं भी आ रहा है, मैच लग गया है। क्या हुआ था अभी जो पहला रेड पे आप होगा ना, दिक्कत हुई। अच्छा दोबारा करिए, वो दोबारा करेंगे। ये जीतने पे 21,000 31,000, वो देख, साथ में बाइक भी है, साथ में बाइक भी मिल रही है, बढ़िया भाई। पता होता तो मैं भी लड़ लेता, इतना इनाम है। देख फिर पुलिस का सायरन लगा रखा है रेड के लिए इन्होंने, कबड्डी में इसका नाम धाकड़ है, यो धाकड़ है, धाकड़ स्पॉन्सर पता कौन है भाई, फंसा लिया
अरे पैर की लॉक लगा दी। मेरे जैसे चार निकल जाए इसमें। देखो रेड करने आ रहा है, कितना तगड़ा है बंदा। मेरे शरीर देख पसीने आ रहे हैं उनको, क्या ठंड नहीं लग रही। गाइस व्लॉग आ चुका है, चेक कर लो भाई यूट्यूब पे जाके। अभी जिम से लाइव किया, ये व्लॉग डाल दूंगा एक आध दिन में। तेरा यही है भाई, पता नहीं ऋषि के 16 को आए। कितना कितना गोरा लग रहा है, गोरा नजर आता है। अरे वो एकदम से सनलाइट आ रही है ना यहाँ पे, मैं भी ऐसा बढ़िया लग रहा हूँ। तो भाई अभी हम जिम में, और आप भी जिम में आया करो, मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगा कि जिम में आओ, वर्कआउट वो देखो वो आ रहा है, ये इसने चेस्ट करनी थी। मैंने पूछा भाई चेस्ट कर रहा है, कह रहा हाँ भाई। वो बेंच प्रेस से शुरू करी इसने, मैंने कहा भाई वार्म अप कर लिया, कह रहा हाँ साइकिल चला दी। मैंने कहा पुशअप तो कर, कुछ तो कर। खाली रोड पे वार्म अप नहीं होता है? खाली रोड पे वार्म अप। अरे भाई अपना शरीर तो खोल, हाथ वाथ पूरे स्ट्रेचिंग मैचिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मत बनाया कर अपनी ब्लॉग में, चुप हो जा, ब्लॉग में खोल दी। बेइज्जती हो रही है तो हवा मत बनाया कर, क्यों पुशअप होते हैं वार्म अप। अच्छा गाइस अगर आपको मेरा ब्लॉग देखना है जो ऋषिकेश था, तो डीएम लिंक आएगा, डीएम ऐसा लिंक है जो राहुल भाई के चक्कर में मेरा ब्लॉग नहीं डाला, सिर्फ अब हमारी रोटी मार रहा है ये असलियत है। तो भाई इन दोनों की गोली देने के बाद ये अब आए हैं, टाइम हो रहा है 1:30 बजे। ये वार्म अप कर रहे हैं, अब एक सेट कराया, वार्म अप कर रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि मैं आ गया था 12 बजे जिम, इसने मेरे को वेट कराया। मैंने इसको बोलता भाई 11:30 बजे आ जाइयो, कह रहा हूं आ रहा हूं। युवांश ने मेरे को तो पहले बाइक पंचर हो गई थी, पंचर बोलते हैं लोग। मैं पहले पंचर बोलता था, पंचर बोल। क्लिच की तार तो नहीं डलवाई वो पुल की तार। एक बार इन्हें बताओ तो सही कि पुल की तार। मैं बता दूं, एक बार ना पुलकित भाई खड़ा था किसी वो मैकेनिक पे, तो उसके पास एक बंदा आया, सर पे रुमाल था उसके, वो पहनता उसके बाल की थोड़ी दिक्कत है, डरता कि बाल ना झड़ जाए। ये भी तो जा रहे हैं, मेरे भी जा रहे हैं। तो सुन तो सही, वो एक बंदा आया उसके पास आके कहता है भैया क्लिच की तार कितने की डल जाएगी। ऐसे ही इशारा करके क्लिच की तार। वो भी तो बताते हैं, पता है किसने टिप दे दी थी मेरे को, किसने टिप दे दी थी सब सब मेरे को बोला ना। सही कह रहे। तो गाइस अब हम चलते हैं, डन जा रहे हैं। हाँ।